माँ दुर्गा का द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी उनका तपस्विनी स्वरूप है। माँ एक तपस्विनी की भांति है, तप करने वाली है। उनका स्वरूप अत्यंत ही आकर्षक और भव्य है। दूसरे नवरात्रे के दिन माता रानी को शक्कर अर्पित करनी चाहिए। शक्कर अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन शक्कर का जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, माता की कृपा आपको मिलेगी। माँ का नाम जप इस स्त्रोत से करें, शंकर प्रिया त्वम ही भुक्ति मुक्ति दायिनी शांतिदा मानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। ये बोलना है रात्रि को सोने से पहले 7 बार बोल दीजिए, क्योंकि नवरात्रि का मतलब ही यही है, रात्रि पूजा। दिन में भी हम लोग पूजा करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन रात्रि की जो पूजा है विशेष फलदायी होती है। तो रात्रि को सोने से पूर्व माता रानी के इस स्त्रोत को जरूर बोलें। ये संक्षेप में भी है, विस्तृत रूप में भी है, आप जैसे चाहें बोल सकते हैं। नहीं तो माँ का पूर्ण स्मरण आपको करना है और ये 2 लाइन आपको बोलनी है। ऐसा करने से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। और दिन में जब पूजा करें तो माता रानी को शक्कर का भोग जरूर लगाएं। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मैं हूँ उमाश्री, आगे भी ऐसी जानकारी आपको देती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए।